गरीबी कितनी हद तक है आप देख सकते हो, छोटे बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं। देखो देखो मित्रों, इतने छोटे मासूम बच्चे बिलख रहे हैं रोटी खाने, पानी के लिए एक एक पानी की बूंद और खाने के लिए इतनी तरस रहे हैं। देखो कितने चिल्ला रहे हैं, ये देखो क्या करें, देखो कितनी गरीबी है इस तरह से। ये देखो देखो आप देख सकते हो रात के 1 बजे अभी तक। देखो भाई टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी थोड़ा राजस्थानी ड्रेस पहन के थोड़ा मुश्किल से रोक रहे हैं तो यार ये आदमी कौन है, तो देखते हैं हमारी टैक्सी आती है तो कौन सी टैक्सी रोक पाती है, तो इंतजार करना देखते हैं। देखो मारवाड़ी भाई लोग यहाँ की भाषा बोल रहे हैं। बोल दिया क्या बोला? गाड़ी हाय हाउ आर यू। तो आखिर भाई साहब ने रोक दी गाड़ी और इधर की भाषा में क्या बोला आपने? यहाँ बोलते हैं काली शक्कर डाबू को। ओके, ये फोन जीरो देते ही। क्या मांग रहा है ये? जीरो उलत सिलसारात आया से बात हमसा, यहाँ का नंबर है मोबाइल नंबर मेरा। तो एक को क्या बोलते इधर? एक दो तीन ऐसा, एक को अंट, दो को उलट, तीन को सोस्त। भाषा पूरी सीख लिया आपने तो यार बहुत बड़ी बात है। अफ्रीका भाषा सीखना अलग बात है ना, अब पूरी आती है आपको मतलब? वाह भाई ठीक है, हमारे पाकिस्तान भाई मिले हैं। कैसे भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। बात सुनाइए क्या जाने से पहले, ठीक है? हाँ बड़ी जोरदार बने आपने तो। अरे वो फिर को खत्म हो गई, ये तो जानता है, इसको पता है। कहाँ से हो? पाकिस्तान में। लाहौर से। ये इधर कहाँ रहते हो? मैं ये सामने की बिल्डिंग है। क्या काम करते हो? मेरा वर्कशॉप है यहाँ पे, गाड़ियों की रिपेयरिंग का। कार वगैरह? हाँ हाँ सारी गाड़ियों का, बड़ी छोटी सब गाड़ी का। बढ़िया भाई साहब से मिलकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कभी आएंगे? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। वेलकम। वीजा का मसला है? हाँ इंशाल्लाह वेलकम वेलकम, क्यों नहीं। वीजा का मसला होता है ये, जब हमारे आप प्राइम मिनिस्टर आपस में मिलके कुछ कुछ करेंगे ना तो फिर आना जाना लगेगा। हाँ सही सही है, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भैया हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और मस्त मस्त इंडिया मतलब इधर गरीब लोग इतने हैं कि चाय पानी के लिए भी बोल देते हैं भैया मेरे को चाय पानी पीने के लिए। तो देखते हैं होटल कौन सी मिलती है भाई, और ये है टैक्सी का। दिस टैक्सी टीवीएस? यस टैक्सी या टीवीएस बजाज बजाज या इंडिया इंडिया देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। ये तो कहीं है, ठीक है भैया। तो बस हमारी सुबह है, अभी तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे एक रूम लिया, वो लगभग 650-700 रुपए का है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग अगर है रूम तो फिर यहाँ तक अभी क्या करें, तो इसलिए हम भाई साहब देखो बैग उठा के चल रहे हैं आगे, और मैं वो लास्ट वाली झोपड़ी हमारी है, ये ऐसी झोपड़ियाँ रहती है यहाँ पर, और लास्ट वाली झोपड़ी हमारी है। देखते हैं आपको बताते हैं अंदर से रूम थोड़ा लास्ट लास्ट। और ये देख सकते हैं ये हमारी है साफा, आज हमने पहना नहीं थोड़ा क्योंकि आज गर्मी है। यह ये ऐसा रूम है, देखो भाई ये ऐसा रूम है, सैंड वगैरह लगा के एकदम ओके। हमारे क्या रात गुजारनी है और क्या करना। देखो बच्चे देखो आओ
खराब हो गया था ऐसे ही। तो देख सकते हो पानी है, देखो अभी बारिश है, पूरी कीचड़ है, पूरी रोड भर गया, पूरा रोड भर गया। और पूरी रात को ही मैंने शायद बारिश ही सुना इधर, तो बहुत बारिश है। कितने दिनों से बारिश है इधर? अभी बारिश पिछले वीक से चालू ही है, कंटिन्यू बंद ही नहीं होती, बंद ही नहीं होती, ऐसे ही बारिश जिम बरस रही है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो वो कितना मौसम शानदार है भाई। गर्मी भी होती है क्या इधर? गर्मी होती है। कौन से महीने में होती है गर्मी? गर्मी पीछे दो महीने गर्मी थी। हाँ, पीछे दो तीन महीने गर्मी थी, बाकी गर्मी कम रहेगी, मीडियम मौसम ज्यादा रहता है। हाँ, और बारिश कंटिन्यू होती रहती, चालू है। देखो बताओ कश्मीर जैसा है ये, देखो पूरे कश्मीर ही है जैसे, देखो हाईवे रोड है ये, देखो कितना मस्त है। कश्मीर में हो अभी। सही सही है, बहुत बढ़िया मौसम है, देखो इतनी हरियाली। हाँ, तो उधर का व्यू देखो, बादल नीचे आए हुए हैं पूरे ये देखो वो हाईवे था उधर, मैं रात को उतरा था, वो वहाँ पर टर्निंग पॉइंट है शायद। यहाँ से तो और भी नजदीक है, सारे लोग खेती करते हैं, सब खेत है और ये पूरा सिटी है इधर आगे। हाँ, तो आपको यहाँ पे इथियोपिया में आप मतलब अलग अलग वीडियो में बताता रहूँगा आपको, यहाँ पे खेती के बारे में थोड़ा बताएंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे, जो भी चीज़ जितना हो सके बताने की कोशिश करूँगा पूरा। और देखता रहना, देखो ये पूरी हाईवे रोड है, देखो सारे है ना इधर पेड़ पौधे, सब लोग खेती करते हैं। हाँ, ये पूरा खेती है, दिख रहा है पूरी खेती, ये पास में पूरा ये इंडस्ट्री एरिया पूरा। हाँ, सबसे ज्यादा क्या खेती करते हैं इधर? चावल खेती करते हैं, गेहूँ खेती करते हैं। हाँ, और यहाँ का एक अपन जैसे एक बाजरी का पाउडर होता है वैसे। हाँ, इन लोगों का एक इंजारा होता है। हाँ, उसकी भी बहुत खेती करते हैं, वही खाते हैं ये लोग। अपन जैसे बाजरा अपने राजस्थान में खाते हैं, ये लोग इंजारा खाते हैं। वो भी आपको मैं बताऊंगा इंजारा कैसे खाते हैं, कैसे बनता है, होटल में आपको दिखाऊंगा मैं इंजारा। सही सही। तो ये देखो वो रही, देखो यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे, ये देखो तांता लगा है गाड़ी का। और ये देखो अभी भी यहाँ पर यहाँ पूरा ये पूरा इंडस्ट्री एरिया है। हाँ, पेड़ तो बहुत है, सफ़ेद है ना? हाँ, सफ़ेद के पेड़ बहुत है, सबसे ज़्यादा ही लग रहे हैं। सफ़ेद के पेड़ बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है मित्रों, अब चलते हम डायरेक्ट आपको खाने में मिलते हैं, क्या क्या खाते हैं। हालांकि मैं तो आपको पता है मेरे को दाल रोटी मिल जाए तो बस हमारे लिए काफ़ी है, फिर भी देखते हैं क्या खाते हैं आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग पास में से देख के वापस चले जाते हैं। देखते हैं कौन सी टैक्सी है, और हाईवे पे खड़े हैं हम, जस्ट इंतजार कर रहे हैं टैक्सी का। दूर है होटल? होटल यहाँ से 5 किलोमीटर। देख रहे हैं लेकिन कोई रोक नहीं रहे। शिफ्ट शिफ्ट कार आ रही है, देखो शिफ्ट तो देखो। हाँ, हमने इंडिया किया है। हाँ, सारी इंडिया वाला ठीक है। हाँ, एर्टिगा आ रही है, एर्टिगा आ रही है, देखो एर्टिगा। नहीं रोक रहे हैं क्या? इंडिया की गाड़ी अभी आनी चालू हुई है। ये रोक रहा परंतु इसमें हम नहीं बैठेंगे, इसमें नहीं बैठेंगे भाई, ये रोका परंतु इसमें पहले से ही बहुत भरे पड़े हैं। ये बस यहाँ पर ये चाइना की बस है, ये ऑटो देखो हमारा ऑटो यहाँ। हाँ, पर तो सिटी में ऑटो अलाउड क्यों नहीं होता है? ऑटो यहाँ पर परेशान करते हैं पुलिस वाले, ये ऑटो वाले रॉन्ग साइड में चलाना परेशान करते हैं, ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, शायद वो आए ना ब्लू कलर वालों। देखो मारवाड़ी भाई लोग यहाँ की भाषा बोल रहे हैं। बोल दिया क्या? बोला गाड़ी हाय हवा जी। ताकिर भाई साहब ने रोक दी गाड़ी, और इधर की भाषा में क्या बोला आपने? तो यहाँ बोलते हैं काली चक्कर डाबू को। ओके, ये जीरो देते ही क्या मांग रहा है?
जिरोलत सिलसारात हयासबाद हमसा, यहाँ का नंबर है मोबाइल नंबर मेरा। तो एक को क्या बोलते इधर, एक दो तीन ऐसा? एक को अंट, दो को उलत, तीन को सोस। भाषा पूरी सीख लिया आपने तो यार, बहुत बड़ी बात है। अफ्रीका भाषा सीखना अलग बात है ना, अब पूरी आती है आपको मतलब? वाह भाई वाह। बताम कोई आले जीते पे कोई ना? ये लम जाता गई मकी ना? ये लम हाँ। बुजु कोई आले? ये लम आज बको में ये लम आई बक लेला की जी बुए आले जा रहे ये लम खाल तमाम ही बता दे हाँ गलान क्या गलान हो बता हाँ गलान हो जी जी रखो मुम्मा हाँ उन्हीं ये तो नहीं डाला था अरे हम गलान सराद रहे आगे काली टीनो ही बताओ काली टीनो बता काली टीनो अंत काली टीनो क्या बोला आपने उनको? मैंने ऐसे बोला कि हमारे पास गाड़ी नहीं मिल रही है, एक डेढ़ घंटे से वेट कर रहे थे। तो आज वो बोलता है गाड़ी नहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि हाईवे है ना, इसलिए सिटी से बाहर हो गया। तो मैंने बोला संडे के दिन ही नहीं मिलता, बाकी दिन तो मिलता है हमको, दिक्कत नहीं होती। तो मैंने बोला भाई हमारे को क्वालिटी जाना था, कोई ज्यादा दूर तो जाना, इस रास्ते में ही आता है, सही सही है, सही है। वो बोला मेरे को भी क्वालिटी जाना था, तो मेरे रास्ते में बोला तेरे को एक पद दो का दे जाएगा। हां सही है, जाना भी वही है, भाड़ा भी मिल जाएगा। हां सही है। ये यहां की तो हाईवे है और पूरा ही नजारा यहां का। ओ चालू बंद कर दो, ठंड लगे, ठंड लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खड़ी है, बस वगैरह आती है ना, पर कैनियो अटैक लोग थोड़ा कलर में अच्छा है। ये देखो यहाँ के यहाँ नेचुरल है बहुत, देखो कितनी हरियाली, हाँ बहुत हरियाली है भाई। और सारे घर है ना पतरे के बने हुए, पूरा घर पतरा ही है। जैसे भी टीन शेड, ऊपर भी टीन शेड है, क्योंकि यहाँ वेदर अच्छा रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। ये यहाँ का सब्जी मार्केट है बहुत बड़ा। ये नहीं, हाँ देखो पब्लिक कैसे खड़ी, देखो ये भाग रहे अंदर। सब्जी मार्केट है यहाँ, खाली सब्जी मिलती है, बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन अभी इसका काम प्रोग्रेस में, अच्छा बनेगा शायद। ये मतलब ये इम्प्रूव हो रहा है दिनों दिन, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि टाइम तो बहुत बहुत गरीब देश था ये। ये अफ्रीका यूनियन का, पूरे अफ्रीका की यही बनेगा ये कंट्री में, अफ्रीका की कोई भी मीटिंग होगी ना अफ्रीका की यही होगी। ऐसा क्या अफ्रीका यूनियन है ना ये? नहीं कुतरी वाले यानी हम इसके साथ नौलाक ब्रदर। मंगलाई बड़े काले वही मंदिर। ओके ब्रो बाय। ओके बाय, थैंक यू। ठीक है भाई साहब, तो फाइनल हम उतर रहे हैं। कितना लिया पैसा? 5 किलोमीटर था, कितना था इधर का? 250 बोले कितना हो गया इंडिया का? 300 साढ़े 300